स्टूडेंट्स अपन अपने फिजिक्स के इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में चल रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 5 है और उसका जो आज का पार्ट है वो भी 5 नंबर का पार्ट है। आज हमारा जो टॉपिक है वो शानदार टॉपिक है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या नाम है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में इसको बोलेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। अब बात यह आती है कि प्रतिरोधों का संयोजन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, थोड़ी सी बारे में इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हालांकि ये चर्चा यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं होती क्योंकि हमें सीधा फॉर्मूला चाहिए कि क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता है, क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता है। फिर भी अपन जानने का प्रयास करें कि कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं। कॉम्बिनेशन इसलिए करते हैं बच्चों क्योंकि हमें पता है कि मान लिया कि कोई सर्किट में 3 से 4 रेजिस्टेंस लगे हो। अब 3 से 4 रेजिस्टेंस जब लगे होते हैं, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हो चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हो, वो क्या करते हैं? एरिया को कवर करते हैं। तो वो हमारा जो सर्किट होता है वो बड़ा हो जाता है। हमारा जो विद्युत परिपथ होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, वो लार्ज हो जाता है। तो उसको हमें क्या करना है? कम करना है। कम करने के लिए हम क्या करते हैं? उनको कॉम्बिनेशन करते हैं। कॉम्बिनेशन के द्वारा उनका इक्विवेलेंट समतुल्य रेजिस्टेंस निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने जो इलेक्ट्रिक सर्किट में ये 3 या 4 या 5 जितने भी रेजिस्टेंस लगा रखे हैं उनकी बजाय हम एक उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दें तो वो वही काम करेगा जो 3 रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं। तो इसका जो मेन अपना मोटिव है वो यही है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, और अपना कोई मोटिव नहीं है बच्चों कॉम्बिनेशन का यही मोटिव होता है अपना केवल कि हर प्रकार के कोई 2 कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उन दोनों कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और हमारा मोटिव पूरा हो जाएगा। आई बात समझ में? छोटा सा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अपना इंटरेस्ट बनाए रखना। स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो होते हैं बच्चों वो 2 प्रकार के होते हैं। आई बात समझ में? एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक होता है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर क्रम। अब नाम से अर्थ प्रकट हो रहा है, नाम से अर्थ यहां पे एक्सप्रेस हो रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जितने भी रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे सीरीज में जोड़ेंगे, क्रम से जोड़ेंगे, एक एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। पैरेलल में क्या जोड़ेंगे? उन सबको अपन पैरेलल रखेंगे। पैरेलल फॉर्म ये होती है, पैरेलल फॉर्म ऐसे चलता है, तो उन सभी को हम क्या रखेंगे? पैरेलल फॉर्म में रेजिस्टेंस रखेंगे। इसका मतलब हमारे पास कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन आ गए? सीरीज कॉम्बिनेशन 1, पैरेलल कॉम्बिनेशन 2। हम इनको पढ़ते हैं दोनों को बारी बारी से। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। आगे बात समझ में? क्यों करते हैं ये टॉपिक? हम इसलिए करते हैं ताकि हमें दोनों कॉम्बिनेशंस में, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, हमें ये पता चल जाए कि हमारे जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सर्किट में उनके इक्विवेलेंट ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस है जो एक रेजिस्टेंस उनका सबका काम कर देगा। आई मेरी बात समझ में? चलो अपन स्टार्ट करते हैं इसको आगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। सबसे पहले बात अपन करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है इसका हिंदी में मैंने आपको अर्थ बताया, क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। अपन 3 रेजिस्टेंस लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3। R1, R2 एंड R3 क्या होता है? रेजिस्टेंस का आपको एक्सप्रेस करने का तरीका पता होता है। रेजिस्टेंस को ऐसे लिखा जाता है। रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। हम क्या करते हैं इनको सीरीज कॉम्बिनेशन इस प्रकार से, ये एक रेजिस्टेंस जोड़ लिया, ये यहां से दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ लिया, बड़ा डायग्राम बना रहा हूं थोड़ा ताकि अपने को आराम से समझ में आ जाए, और यहां से तीसरा रेजिस्टेंस जोड़ लिया। ये 3 रेजिस्टेंस हो गए और इनके हमने एक इमेजिनरी बैटरी को लगा दिया, एक बैटरी इमेजिन कर ली कि बैटरी इनके लगी हुई है। ये कितना? R1, ये R2 और ये कितना? R3। आगे बात समझ में? हमें पता है कि ये पोटेंशियल V हो गया इधर की तरफ 0, यहां से करंट I जा रही है, यहां से करंट आई जा रही है, यहां भी आई जा रही है। अब देखना बच्चों बात ये आती है, एक तो पोटेंशियल होता है, एक होती है करंट। एक तो किस 2 चीज पे चर्चा करेंगे? एक तो हम चर्चा करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे, एक चर्चा करेंगे करंट पे। इन 2 चीजों पे हमारा ज्यादा ध्यान रहता है।
एक तो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर चर्चा करेंगे, एक करंट के ऊपर चर्चा करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कौन देगा? बैटरी देगा। ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस कौन देगी? बैटरी देगी। हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कहां से मापते हैं? किसी भी एलिमेंट की, एलिमेंट मतलब रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ये जो एलिमेंट होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के, वो किसी भी एलिमेंट के सिरों पर, उनके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात विभवांतर को मापा जाता है। तो हमें पता है सिरे कौन से, जैसे ये सिरा है एक इसका, ये R1 का, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों? V1। ये R2 का है तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V2। ये माना R3 का है तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V3। अब हमने क्या देखा कि जो ये V पोटेंशियल जो बैटरी के द्वारा इस सर्किट को प्रोवाइड किया जा रहा था, बैटरी के द्वारा इस सर्किट को प्रोवाइड किया जा रहा था, वो कितने पार्ट में बट गया? 3 पार्ट में। बट जो करंट आ रही थी वो हमेशा और हमेशा क्या रहेगी? सेम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का पहला प्रोडक्ट, पहला प्रॉपर्टी क्या रहेगी? I will be, I का मतलब करंट, I will be same in all element या in all resistance of सर्किट। परिपथ के जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन I, करंट विल बी सेम, करंट क्या रहेगी? सेम रहेगी इन ऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आई बात समझ में? दूसरी बात क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जितने रेजिस्टेंस होंगे उतने भागों में पोटेंशियल डिफरेंस बंट जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो ये V है बच्चों, वो किसके बराबर हो गया? V1 प्लस V2 प्लस V3। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पोटेंशियल है, कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं? 3 रेजिस्टेंस। पता है तीनों के सिरों पर अलग अलग होगा, क्योंकि तीनों के एजेस जो है वो अलग अलग जुड़े हुए हैं, तो तीनों के एजेस पे क्या होगा? अलग अलग पोटेंशियल होगा। इसके एज पे V1 मान लिया, इसके एज पे V2 मान लिया, इसके एज पे V3 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ओम का नियम, ओम के नियम में क्या आता है? V बराबर क्या आएगा? IR1। इस पे V2 बराबर क्या आएगा? V1 बराबर, इसको मिटा देता हूं मैं, V2 बराबर क्या आएगा? IR2। V3 बराबर क्या आएगा बच्चों? IR3। अकॉर्डिंग टू ओम्स रूल, अपन ओम्स का नियम पढ़ के आ चुके हैं, वो होता है क्रम V1 बराबर IR, V बराबर IR होता है, पता है हमें। क्यों? V प्रोपोर्शनल आई है, I प्रोपोर्शनल V। प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करने पर एक कांस्टेंट आता है नोन एज R, एंड आल्सो नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट, उस सर्किट का रेजिस्टेंस बोला जाता है उसे। कोई दिक्कत नहीं, V बराबर IR, V बराबर IR, V बराबर IR के फॉर्मूले से V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 एंड V3 बराबर IR3। अब टोटल V क्या है बच्चों? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम इसको यहां पे पुट कर देते हैं, तो क्या आता है अपने पास? V बराबर आ जाता है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब हमने अभी एक बात की थी, हमने क्या कहा था? हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस जो इन तीनों का काम कर दे। क्या कर दे? एक ऐसा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो इन तीनों का काम कर दे, इन तीनों की जगह को, इन तीनों की जगह उसको रिप्लेस किया जा सके, ताकि ये जो परिपथ इतना बड़ा बन रहा है वो थोड़ा छोटा बन जाए। आई मेरी बात समझ में? ये परिपथ जितना बड़ा बन रहा है उससे थोड़ा छोटा बन जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? Req नहीं मान के RS मान देते हैं, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब सर्किट भी दूसरा बनेगा, तो सर्किट क्या बनेगा बच्चों? ये सर्किट बन जाएगा, ये बैटरी के साथ, और यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दिया RS। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये जीरो, ये I। इसका मतलब इसको करंट कितनी मिल रही है? आई ही मिलेगी, क्योंकि बैटरी से करंट आई आ रही है। टोटल पोटेंशियल कितना? वी। तो देन वी कितना हो जाएगा बच्चों? वी बराबर हो जाएगा IRS। वी बराबर कितना हो जाएगा? IRS। वो मान हम कहां रख देते हैं? यहां रख देते हैं। तो वी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? ये यहां रख देते हैं, तो IRS इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यू नो दैट अपन यहां से कॉमन ले सकते हैं और यहां से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देन RS बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? RS इज इक्वल्स टू आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मान आ जाएगा हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। इसका मतलब अगर आपको तीन रेजिस्टेंस को रिप्लेस करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, तो उन तीनों रेजिस्टेंस के जोड़ के बराबर का एक रेजिस्टेंस आपको लाना पड़ेगा। ये क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। ये चीज सीरीज कॉम्बिनेशन में होती है बच्चों, ध्यान रखना।
सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। कब? जब हमने तीन रेजिस्टेंस लिए हैं। अब हमारे पास अगर n रेजिस्टेंस हो तो क्या हो जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस .. प्लस RN। जितने भी रेजिस्टेंस हो सारे को जोड़ कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उन सबसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उनका जोड़ होता है। इसका मतलब अगर इनमें बड़े से बड़ा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हो उससे भी बड़ा क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। ये ध्यान रखना। समतुल्य या तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? जितने प्रतिरोध इंडिविजुअल लगे हुए हैं, अलग अलग लगे हुए हैं, उनमें से सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे क्या होता है? जुड़ करके बनता है। कोई डाउट नहीं? चलते हैं आगे। ध्यान देना, अगर ये रेजिस्टेंस हमने लिया है R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब डिफरेंट रेजिस्टेंस लिए है, अगर हमारे पास सभी रेजिस्टेंस के मान क्या हो? सेम हो, R R R R हो, तो क्या हो जाता है बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है n गुणा r। जितने पास आपके रेजिस्टेंस हो, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ये हो जाता है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान देना बच्चों, दोबारा से सीरीज कॉम्बिनेशन को इन शॉर्ट फॉर्म रिपीट करता हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन होता कैसे है? अगर हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, तीनों रेजिस्टेंस को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ेंगे? दैट इज R1, दैट इज R2 एंड दैट इज R3। दिस कनेक्शन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। एक इमेजिनरी बैटरी यहां पे इमेजिन कर लेंगे हम, क्योंकि बैटरी तो लगानी पड़ती है तभी तो सर्किट कंप्लीट होता है। क्योंकि सर्किट को एनर्जी मिलेगी कहां से? इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा जो आप फ्लो कराना चाहते हो? क्योंकि ये एलिमेंट ऐसे थोड़ी पड़े रहेंगे। आई बात समझ में? यहां पे बैटरी हमने लगा ली, बैटरी से आई करंट फ्लो हो रही है, इनमें पोटेंशियल हमें पता है बैटरी का V है, बट यहां पे पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा कितने पार्ट में? क्योंकि तीन रेजिस्टेंस है तो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, V1 V2 एंड V3। कॉर्नर पर मापते हैं अपन, वोल्टमीटर के द्वारा मापा जाता है, ये पता है हमें। करंट एमीटर के द्वारा मापी जाती है, करंट मिल गई। I will be same in all resistance of circuit। सर्किट के जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनमें I क्या रहेगी? सेम रहेगी। इनमें कोई डाउट नहीं होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन। किसकी चर्चा कर रहे हैं? इन सीरीज कॉम्बिनेशन, नॉट इन अदर कॉम्बिनेशन। ओके, एंड V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V ओम के नियम से निकाल लिया, ये V क्या आएगा? हमें क्या करना है? इस पूरे सर्किट को एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करना है। दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दैट सर्किट, एंड रेजिस्टेंस इज RS एंड V बैटरी ये की करंट I फ्लो हो रही है, V बराबर IRS। ये V का मान वहां पुट किया, हमारे पास रेजिस्टेंस का मान आ गया, ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान हो जाता है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान हो जाता है। दोस्तों आई मेरी बात समझ में? अब अपन इसका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। मिटाता हूं इसको, समझने की कोशिश करना, बहुत शानदार चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है। कौन सा पढ़ते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? समांतर संयोजन। वापस वही बात, हमारे पास कितने रेजिस्टेंस है? सपोज वी हैव 3 रेजिस्टेंस, R1 एंड R2 एंड R3, एंड दीज रेजिस्टेंस हैव टू बी कनेक्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमें इनको किसमें कनेक्ट करना है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है। तो मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम बनाता हूं पहले, फिर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम क्या होगा बच्चों? यहां एक कॉर्नर होगा, ये R1, ठीक है, ये R2, यहां से निकलेंगे ये R1, ये R2, ये सब रेजिस्टेंस है भाई। ये R3, ये R1 R2 R3, वही बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव V I करंट जा रही है यहां से। अब एक बात, अब क्या होगा? बात वही चीज समझने में, किन चीजों पे कंसीडर करेंगे? दो ही चीजों पे कंसीडर करेंगे, क्या तो पोटेंशियल डिफरेंस है और क्या करंट है। करंट I प्रोवाइड हो रही है इस बैटरी के द्वारा, हमें करंट I प्रोवाइड हो रही है इस बैटरी के द्वारा। ये करंट जाते ही यहां करंट को तीन रास्ते दिखाई दे रहे हैं, तीन रास्ते यहां करंट को दिखाई दे रहे हैं, करंट के पास तीन रास्ते करंट को सूझ रहे हैं, करंट को दिखाई दे रहा है कि मेरे को जाना है और मेरे पास तीन रास्ते हैं।
अब तीन रस्ते हैं, तीनों में भी मेरे को जाना है, ऐसा नहीं कि मैं एक रस्ते चले जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। तीनों रस्ते में ही करंट को जाना पड़ेगा, इसका मतलब करंट हैव टू बी डिवाइडेड। करंट को क्या होना पड़ेगा, डिवाइड होना पड़ेगा। तो करंट जब डिवाइड होगी बच्चों, तो इसमें चली जाएगी आई वन, इसमें आएगी आई टू और इसमें आ जाएगी आई थ्री। ये हमें चीजें पता है, आई बात समझ में। आई वन करंट इस रस्ते, आई टू करंट इस रस्ते, आई थ्री करंट इस रस्ते। सेकेंडरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस, चूंकि इन तीनों का कॉर्नर जो है वो बैटरी के सीधा कनेक्शन में है, तो देन पोटेंशियल क्या रहेगा, वी वी एंड वी, पोटेंशियल विल बी। दो प्रोडक्ट लिख देते हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, विल बी सेम अक्रॉस द ऑल द रेजिस्टेंस, ओहो बीच में ही डाउन हो गया, अक्रॉस द ऑल द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट के क्या होगा, जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा सेम, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, नॉट इन अदर कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा बच्चों, सेम। बट वही बात, करंट कितनी मिली थी, आई, कितने भागों में डिवाइड हो गई, तीन भागों में डिवाइड हो गई। तो देन आई इज इक्वल्स टू, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। इतना तो हम जानते हैं, आई वन बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर ओम के नियम से क्या हो जाएगा बच्चों, I1 बराबर हो जाएगा V बटा R1, I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R2, I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R3। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्योंकि ये चीज अपने को पता है, ओम के नियम को फॉलो कर रहे हैं और कुछ हम फॉलो कर नहीं रहे। आई बात समझ में, इनका मान पुट कर देते हैं, I बराबर आ जाता है V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। वही बात, ये आई कहां से लाएं, हम क्या करना चाह रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, इसका मतलब हमें एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा, तीनों रेजिस्टेंस की जगह एक रेजिस्टेंस को रिप्लेस करना पड़ेगा, जो रेजिस्टेंस इन तीनों रेजिस्टेंस के बराबर में काम करेगा। आई बात समझ में, हाँ सर आई बात समझ में। तो देन इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनाते हैं, ये बैटरी, ये लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका क्या मान लिया, आर पी मान लिया, आई आ रही है, ओके ये पोटेंशियल प्लस, ये माइनस, ये वी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई इज इक्वल्स टू वी बट्टा आर पी। तो देन पुट कर देते हैं मान, तो वी बट्टा आर पी इज इक्वल्स टू वी बट्टा आर वन प्लस वी बट्टा आर टू प्लस वी बट्टा आर थ्री। ओके कोई दिक्कत नहीं, अब वही बात, खचक 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 वी को क्या कर देते हैं, काट देते हैं, डाउन निकाल देते हैं, वन अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। क्या हुआ इसका मतलब, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उस क्रम में लगे सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। व्युत्क्रमों के, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। अलग अलग इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं R1, R2 एंड R3, उन सभी के रेसिप्रोकल का सम किसके बराबर, इसके रेसिप्रोकल के बराबर। अब रेसिप्रोकल पूरा निकाल के इसको क्या कर देंगे, वापस इनवर्स कर देंगे, तो देन हमें क्या मिल जाएगा, सिंपल मान मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत इजी चीजें हैं, बहुत ज्यादा ही इजी चीजें हैं, तब मैं आपको जल्दी से इसको करा दिया मैंने आपको। अब देखना बात यह आती है कि अगर हमारे पास वही कंडीशन, हमने क्या लिया था, अगर हमारे पास एन हो, एन हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, एन हो तो हो जाएगा एक बट्टा आर पी इज इक्वल्स टू वन बट्टा आर वन प्लस वन बट्टा आर टू प्लस डॉट 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 प्लस वन अपॉन आर एन, यही बात हो जाएगी। अब अगर कोई कह दे कि आपके पास सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आर 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 हो, ए ना हो, तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, अपने पास अगर सारे ही क्या हो, सेम हो, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू एन अपॉन आर, और केवल आर पी इज इक्वल्स टू
आर अपॉन एन, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की कंडीशन होती है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑल द रेजिस्टेंस, इफ द ऑल रेजिस्टेंस विल सेम, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्बिनेशन विल बी आर अपॉन एन। आर इज द वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस एंड एन इज द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कितने प्रतिरोधों की कितनी संख्या है एंड एक प्रतिरोध का मान कितना है, ये अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन पूरा होता है। बहुत सिंपल सिटी है, एकदम सिंपल चीजें हैं, कोई ज्यादा चीजें इनमें भेद है नहीं इन चीजों में किसी भी चीज में। यहां पे बस बात इतनी समझ में आनी चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहती है, प्रत्येक एलिमेंट मतलब यहां पे जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे उनमें सब में करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, करंट क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि करंट के पास जाने के लिए अलग अलग रास्ते मिल जाएंगे करंट को। वहां पे करंट का रास्ता एक ही था, यहां पे करंट के रास्ते अलग अलग है, बट जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनके सब की पूंछ और सिर पकड़ के एक पे डाला गया है। पूंछ और सिर पकड़ के क्या डाला गया है, एक पे ही, एक बिंदु पे लाया गया है, उन दोनों बिंदुओं को सीधे बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। देखना इस चीज को, उतारना, समझना, आगे चलते हैं अपन। हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पूरा होता है, वीडियो अपना, मोटिव अपना इतना ही था, बट हम थोड़ा सा इसके ऊपर और चर्चा, एक चीज और चर्चा कर लेते हैं इसमें साथ में ही, क्योंकि हमें पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू अवर बुक उठता है वो होता है सेल। सेल क्या होता है, सबसे पहले हम सेल की पर चर्चा करेंगे, फिर सेल के ऊपर साथ में सेल के संबंध में जो टर्म्स होती है, जैसे आईएमएफ इंटर और आईएमएफ के बाद में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये सब चीजें हम सेल के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये जाने कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मोटिव ये है कि सेल होता क्या है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि सेल क्या होता है तो हमें आगे इन टर्म्स को पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी। तो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये पढ़ते हैं कि सेल क्या होता है। चले, बोर्ड हो गया साफ, पढ़ते हैं सेल। सेल को हिंदी में क्या कहते हैं, बैटरी या सेल। अब सबसे पहले बात आती है सेल होता क्या है। सेल एक इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल है, एक डिवाइस है जो क्या करती है, जो हमारा जो सर्किट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब एनर्जी का मतलब कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करती है, सर थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करती है, ना सेल एनर्जी कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले अगर सेल के बारे में कोई पॉइंट लिखोगे तो क्या लिखोगे, सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट। सबसे पहली बात यह, सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है टू ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सर्किट। सर्किट होता है जो हमारा परिपथ होता है, जिस परिपथ में हम सेल को लगाते हैं, उस परिपथ के जितने भी कंपोनेंट लाइक रेजिस्टेंस, लाइक डायोड, लाइक कैपेसिटर, जितने भी चीजें होती है उन सबको क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या चीज प्रोवाइड करता है बच्चों, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये अपना सेल के बारे में फर्स्ट पॉइंट है। सेल की थोड़ी सी मैं आपको इमेजिनेशन क्रिएट कराऊंगा यहाँ पे पूरी आपके सामने कि क्या होता है सेल, एग्जैक्टली क्या होती है। सेकेंड चीज अपन देखते हैं, सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। मेन मोटी चीज जो सेल के बारे में, जो हमारे पास सेल के बारे में क्विदंती होती है कि सेल करंट प्रोड्यूस करता है, नहीं जी, सेल तो चार्ज भी प्रोड्यूस नहीं करता है। सेल कभी भी चार्ज भी प्रोड्यूस नहीं करता है, सेल कुछ भी नहीं करता है, सेल केवल घुमाता है, सेल हमेशा केवल टर्नओवर बनाए रखता है, सेल चार्जेज को इधर से उधर घुमाने का काम करता है, सेल कभी भी चार्जेज प्रोड्यूस नहीं करता। ये हमेशा याद रखना। फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखोगे,
सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ऑल द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। सेकंड क्या बात रखोगे, सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज, सेल कभी भी चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो केवल चार्ज को घुमाते हैं। और थर्ड पॉइंट एक और बताता हूं, सेल क्या करते हैं बच्चों, सेल मेंटेनेंस, सेल मेंटेनेंस द पोटेंशियल डिफरेंस, सेल मेंटेनेंस द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सेल क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं, विच फोर्सेज द इलेक्ट्रॉन टू मूव इन सर्किट। ध्यान देना, ये चीज ध्यान देना, मेन मोटी कहानी तो ये है। हमने क्या बताया कि सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है टू ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सर्किट, सर्किट के जितने भी कंपोनेंट होता है उनको इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकेंडरी हमने क्या बताया, सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज, सेल कभी भी चार्ज बनाता नहीं है, तो फिर क्या करता है सर, सेल मेंटेनेंस द पोटेंशियल डिफरेंस, सेल एक विभवांतर को बनाए रखता है जो कि विच फोर्स, जो कि बल करता, जो कि फोर्स करता है किसको, इलेक्ट्रॉन को, टू मूव इन द सर्किट, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को भागने के लिए क्या करता है, फोर्स करता है, इलेक्ट्रॉन को भागने के लिए बाधित करता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगाता है। कौन लगाता है बल सर, सर बल लगाता है पोटेंशियल डिफरेंस, जो विभवांतर होता है, जो किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, सेल के द्वारा, जो सेल के द्वारा मेंटेन रखा जाता है। सेल एक ऐसी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो उस सर्किट में इलेक्ट्रॉन घूमते होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को फोर्स्ड करता है कि आप घूमो, आप घूमोगे तो हमें करंट कंटिन्यू मिलती रहेगी। सेल कोई भी नया चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है, ये ध्यान रखना, सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज, सेल कभी भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करते हैं, सेल केवल एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन इट मींस चार्ज को घूमने के लिए बाधित करता रहता है। ये हमारी सेल के बारे में थोड़ी सी थीम थी। अब सेल क्या होता है वो देखते हैं। बच्चों हम जिस सेल की चर्चा करेंगे उस सेल का मेन होता क्या है, सेल क्या करता है, सेल केमिकल एनर्जी को, सेल केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल केमिकल एनर्जी को मतलब रासायनिक ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है। इसका मतलब सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। पहले मैंने तीन पॉइंट बताए, वो भी नोट कर लेना। ये डेफिनेशन क्या काम होती है, सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। आई बात समझ में। अब थोड़ा सा इसका डायग्राम देख लेते हैं एग्जैक्टली होता है नया। यहां पे मान लिया कि सबसे पहले एक बीकर लेते हैं, इसको मिटा देता हूं, सबसे पहले क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, ये ले लिया, ये बीकर ले लिया। ओके, अब इसमें क्या भरा रहता है, हमें पता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरे रहते हैं, इसमें ये क्या रहता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट, जिसको क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन। ये सॉल्यूशन होता है जो क्या होता है, विद्युत अपघटित हो जाता है। जो अपघटित का मतलब जो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाना, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक के द्वारा। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इलेक्ट्रिक से अपने संयोजी जो घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे वो बना होता है, उसमें टूट जाता है। अब हमें पता है कि इसमें दो मेटल रोड होती है, बिल्कुल पता है, पता है सबको, हाँ बिल्कुल, इसमें दो मेटल रोड होती है, ये दो मेटल रोड होती है, दो मेटल रोड बिल्कुल होती है। अब ये मेटल रोड क्या होती है, मेटल रोड को वायर से, एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है, ये रेजिस्टेंस आर, ये आर, ये यहां से जो भी फ्लो होना है वो अपन बाद में दिखाएंगे। अब होता क्या है बच्चों, ध्यान देना थोड़ा सा, हमें पता है कि इसमें से एक क्या होता है, एनोड होता है, एक क्या होता है, कैथोड होता है। आई बात समझ में, एक क्या होता है, एनोड होता है, और एक क्या होता है, कैथोड होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इस इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल रिएक्शंस होती है,
मैं इन शॉर्ट फॉर्म आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रोलाइट जो आपका विद्युत अपघट्य होता है उनमें केमिकल रिएक्शंस होती है। केमिकल रिएक्शंस आप पढ़ते ही हो। केमिकल रिएक्शंस दो प्रकार की होती है, एक तो होती है ऑक्सीडेशन और एक होती है रिडक्शन। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो तो उसको क्या बोला जाता है, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन, एक तो होती है ऑक्सीडेशन जिसको हिंदी में बोला जाता है ऑक्सीकरण, एक होती है रिडक्शन जिसको हिंदी में बोला जाता है अपचयन। लेकिन इन दोनों की कॉम्बिनेशन दोनों ही हो तो क्या होती है, इसको बोलते हैं रेडॉक्स, उसको क्या बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब यहां पे कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरे नंबर पे यहां पे होती है एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन। हिंदी में क्या नाम लिखेंगे इसका, हिंदी में लिखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। रेडॉक्स का मतलब अपचयन प्लस ऑक्सीकरण दोनों। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऊष्माक्षेपी का मतलब ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऊष्माक्षेपी का मतलब एनर्जी रिलीज होती है। यहां से क्या होता है बच्चों, यहां से एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब यह है कि यह एनर्जी रिलीज करने वाला कार्यक्रम है। एनर्जी क्या करती है, रिलीज, एनर्जी प्रोवाइड करने वाला यह कार्यक्रम है, न कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला कार्यक्रम है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया नहीं है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का दान करने वाली अभिक्रिया। आई बात समझ में? अब क्या होता है बच्चों, इनमें से एक के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं, और इनमें से एक के पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो ये यहां आ गया वी पॉजिटिव और यहां आ गया V नेगेटिव, बन गया पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। हाँ सर, हो गया। अब यहां इनके वायर लगा हुआ है एक बाहर, और यहां रेजिस्टेंस है। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस वायर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उठेंगे, जाएंगे यहां, टिक 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 इलेक्ट्रॉन गए, और यहां, अब यहां क्या होगा, यहां एनर्जी कंज्यूम होगी, यहां एनर्जी थोड़ी क्या होगी, क्षय होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या करेंगे, थैला भर के लाए इलेक्ट्रॉन, पीछे से इलेक्ट्रॉन के थैला भरा हुआ एनर्जी का, यहां एनर्जी मिली है इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि इनमें जो रिएक्शन होती है, इनमें खूब रिएक्शन होती है जो कि क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं, धड़ाधड़ एनर्जी को रिलीज करते हैं, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन दौड़ता है एनर्जी लेके, एनर्जी का थैला भरा, इलेक्ट्रॉन दौड़े, हां साहब इलेक्ट्रॉन दौड़े इस सर्किट में से, और यहां इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड किया इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉनों का तो वही चक्कर, इलेक्ट्रॉनों का तो चक्कर लगाना ही है। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा के कहां आ गए, पॉजिटिव के पास, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के पास आएंगे, पता है आपको इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आएंगे, देन दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, फिर करंट द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके अपोजिट दिशा में करंट फ्लो होगी, ये हमें पता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब मतलब इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है तो करंट कौन सी दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाएगा, ऑब्वियसली सर ये हमें पता है, लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आई मेरी बात समझ में? आगे इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन हुई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई, इलेक्ट्रॉनों को मिला, इलेक्ट्रॉनों ने थैला लदा यहां पे एनर्जी का, और इलेक्ट्रॉन भागे। आई बात समझ में? भागे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भागते ही हमने यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया है सर, तड़ाक एकदम पोटेंशियल डिफरेंस, तकड़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। इलेक्ट्रॉन कहां आए, यहां आए। अभी तक आपका सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक इलेक्ट्रॉन केवल यहां से यहां आए हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ऐसा कैसे सर, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा जाएगा, ये तो रिपल्शन करेंगे ना। नहीं बच्चों, यही तो इसकी थीम होती है, यही सेल की थीम होती है, यही समझने वाली चीज मेन यही आती है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, नॉट नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बाहर वाले रास्ते। अंदर क्या होता है, अंदर देखो चीज मेन, अंदर कहानी तो अंदर है, कहानी तो सारी भोजन कहां जाता है, अंदर, अंदर रिएक्शंस होती है तभी तो बाहर एनर्जी मिलती है। आई बात समझ में? तो यहां पे अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा कैसे, पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक बल चाहिए। जब तक इलेक्ट्रॉन कहीं से फोर्स नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन स्वेच्छा से नेगेटिव नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि अपनी इच्छा से नेगेटिव के पास जाना होता तो नेगेटिव को छोड़ता ही क्यों बंदा, अपनी इच्छा से ही अगर नेगेटिव के पास जाना होता तो नेगेटिव को छोड़ता ही क्यों ये इलेक्ट्रॉन,
इसके ऐसे थोड़ी जची थी, कोई घूमने की मर्जी थोड़ी थी इसकी, नहीं साहब इसको फोर्स्ड किया गया था। तो यहां पे इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युतकीय फोर्स नहीं होता है, ये इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव होके यहां आया है। जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके कारण मैंने नीचे तीसरी लाइन लिखी थी, सेल मेंटेनेंस से पोटेंशियल डिफरेंस विच फोर्स द इलेक्ट्रॉन टू मूव इन द सर्किट। ये सर्किट को क्या, सर्किट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए फोर्स्ड करते हैं। जो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होया हुआ होता है उसके कारण इलेक्ट्रॉन कहां आता है, इधर की तरफ आता है इलेक्ट्रॉन, और वो ही वापस इधर की तरफ आया इलेक्ट्रॉन, जिग 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 वापस आया, वापस चढ़ा और ये टनाटन पूरा काम अपना तैयारी है। आई बात समझ में, इलेक्ट्रॉन अपना चक्रीय लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन यहां पे से इलेक्ट्रॉन ने सर्किट कंप्लीट कर लिया, सर्किट कंप्लीट करते ही इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग जाती है। आई बात समझ में, जो कि हमें बैटरी का गुणधर्म होता है, बैटरी का धर्म होता है, बैटरी अपना धर्म निभाती रहती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी का थैला लदे अपना धर्म निभाते हुए चल रहे हैं। अब बात आपको यही समझनी है, इंटरनल चीज समझनी है सेल की, हमारा जो टॉपिक की हमने जिसमें शुरुआत की है, हम सेल की एक्सटर्नल चीज नहीं पढ़ेंगे, हम सेल की इंटरनल चीजों पे जाएंगे। इंटरनल में क्या होता है, बाहर तो इलेक्ट्रॉन कहां होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, बट अंदर जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, यह बात ध्यान रखना। मेन चीज यह आती है अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक फोर्स लगता है, वो फोर्स इसको करता है कि तू जा अंदर, तू अंदर नेगेटिव की तरफ जा, वो फोर्स इसको कहता है। आई बात समझ में, और ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का फोर्स नहीं है, ये बात ध्यान नोट करना, इट इज नॉट द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये स्थिर विद्युतकी वाला फोर्स नहीं है, ये ध्यान रखना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बंदा क्रॉस कर रहा है, इतनी एनर्जी मिलती है इस इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के कंधों पर एनर्जी का थैला फुल भरा रहता है और इलेक्ट्रॉन अपनी मस्ती में एकदम आराम से दौड़ता रहता है। ये हमारे पास सेल की थोड़ी सी मैंने आपके सामने इमेज क्रिएट की है। अब हम सेल के बारे में टर्म्स पढ़ेंगे कुछ, जैसे आईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी इसको समझना टोटल, नेक्स्ट वीडियो में वो हम सब कार्यक्रम करेंगे। ओके, तब तक के लिए पढ़ो, थैंक यू सो मच।